नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है. क्वेश्चन से इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड अ फोटोन. ध्यान रखना है फोटोन है प्रोटॉन नहीं. फोटोन हैव सेम एनर्जी ई. रेशियो ऑफ डी-ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम क्या होगी. दोनों का आपको डी-ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है. नाउ यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के लिए जो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए जो अपनी वेवलेंथ लिखेंगे सो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे लैम्डा विल बी इक्वल टू एच बाय पी. एच बाय पी और इसी को आप लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू एम ई. या आपकी लैम्डा लिखी जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए. नाउ फोटोन के लिए मैं एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ इससे आप कंफ्यूज ना हो. ये फोटोन के लिए यहाँ पे हम जो लैम्डा है उसको लिखेंगे आपकी लैम्डा विल बी इक्वल टू एच बाय इसको आप जो फोटोन के लिए लिखते हैं ये आएगा एच सी बाय ई. या आपकी फोटोन की लैम्डा लिखी जाएगी लैम्डा फोटोन. अब हमें यहाँ पे दोनों का रेशियो बताना है तो इन दोनों को पढ़ के डिवाइड कर देते हैं. ये आपकी इक्वेशन वन है इक्वेशन टू है. सो लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी विल बी इक्वल टू एच पूरा लिख लेते हैं पहले टू एम ई मल्टीप्लाइड बाय इसको जब इससे डिवाइड करेंगे रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका ई डिवाइडेड बाय एच सी. नाउ एच विल गेट कैंसल ई का जो है अंडर रूट वो आ जाएगा. सो दिस रेशियो लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी जो रेशियो है ये आ गया ई का अंदर ऊपर बन जाएगा अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय ये बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ टू एम और एक सी यहाँ पे रहेगा. ठीक है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर.